लेकिन मैं मनोहर जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का कहा। कई ऐसा रहो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने का कारण आगे जाकर के और अपने लोग ये इस बात की चिंता करें। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए छप्पन इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। हमारे अंदर का ताकत है, जरूरत पड़ी हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के इस पार भी जाकर मार सकते हैं। आप पक्का यकीन रखे ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका मतलब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। रोहतक लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रणछोड़ नेता बन गए हैं, उनकी अमेठी से नामांकन दाखिल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी और कहा कि देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए और भाजपा आंखों में आंखें डालकर राजनीति करने वाली पार्टी है। बराबर बाबू जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, अब वहां से हारने के बाद चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था अमेठी से लड़ जाओ, लोग चाहते थे उनकी पार्टी के अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों, और मैं कहना चाहता कई ऐसा रहो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर के और अपने लोग ये इस बात की चिंता हो। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। राजनाथ सिंह के साथ इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा व कई नेता व मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जहां सीएम सैनी की जमकर तारीफ की, वहीं मनोहर लाल खट्टर को संत करार दे दिया। मैं जानता हूं कि हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का। मनोहर लाल जी खट्टर ने भी मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, आपको चाहे जो भी लगता हो, पहले मानो मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, लेकिन मैं मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का कर। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा की इस रैली में कांग्रेस के साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर लिया गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हुड्डा के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए, वहीं राजनाथ सिंह ने मंच से पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कह दिया कि आज का भारत दुश्मन देशों में घुसकर मारता है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि चुनाव भी अच्छी तरह से निपट जाएगा और इसी चुनाव में कांग्रेस भी निपट जाएगी। पूरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया, भारत अभी कमजोर भारत नहीं है, भारत एक दुनिया का ताकत प्रदेश है। हमारे अंदर का ताकत है, जरूरत पड़ी हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के इस पार भी जाकर मार सकते हैं, ये भारत की बात है। लेकिन ऑप्शन होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवान की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहां तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? मेरे भाइयों आप पक्का यकीन रखे ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पता नहीं।
रैली के बाद राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया और अरविंद शर्मा का नामांकन पत्र दाखिल करवाकर हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत की हुंकार भरी। बता दें कि हरियाणा में 6 मई तक उम्मीदवारों के नामांकन होंगे, 25 मई को मतदान जबकि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।